फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के अंडर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप फेसबुक पिक्सल को अपनी साइट पर कैसे लगाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की साइट हो, राइट। तो उसके लिए करना क्या है, आपको अपने एड्स मैनेजर में जाना है और यहाँ पर ये जो टॉप में ये जो तीन आपको लाइन दिखाई दे रही है ऑप्शंस का बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको इवेंट मैनेजर में जाना है। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर पिक्सल भी लिख सकते हैं। अगर आप पिक्सल लिखेंगे तो अपने आप ये नीचे पिक्सल्स का ऑप्शन आ जाएगा, बट अदरवाइज आपको इवेंट्स मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा कनेक्ट अ डेटा सोर्स। बेसिकली अभी इसमें कोई डेटा का सोर्स नहीं है आपका जो फेसबुक एड अकाउंट है इसमें। तो फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक स्मॉल कोड है जो आपकी वेबसाइट पर जाकर आपकी वेबसाइट पर जो डेटा है उसको ट्रैक करता है, जो लोग आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है, जो वो एक्शन ले रहे हैं, जो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस पेजेस पे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो एक डेटा सोर्स जो है फेसबुक के लिए आपकी वेबसाइट है, बट उसको कनेक्ट करना है तो उसके लिए फेसबुक पिक्सल है। तो हम यहाँ जाएंगे कनेक्ट अ डेटा सोर्स, या हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे वेब ऐप ऑफलाइन। तो अभी हम वेब चूज करेंगे। तो जैसे यहां पर ऑप्शन, यहां पर आप देखो इंफॉर्मेशन दी है कनेक्ट योर वेबसाइट टू शेयर एक्टिविटी दैट अकर्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग व्यू कंटेंट ऐड टू कार्ट एंड परचेज इवेंट। बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हो जिससे कि जो ऑनलाइन एक्टिविटी आपकी साइट पे हो रही है वो दिखाई दे, जैसे कि कंटेंट को व्यू करना कि किसने क्या देखा, क्या कार्ट में ऐड किया और किसने क्या परचेज किया। तो उसके लिए इसके बाद हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पर, राइट। अब यहां पर ये एक ऑप्शन है सेंड वेब इवेंट एंड पैरामीटर्स डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर यूजिंग एन API। इसमें हम नहीं जाएंगे, हम अभी जो सीखने वाले हैं वो है फेसबुक पिक्सल। ये जो तरीका है ये सिंपल और ज्यादा बेटर है, राइट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वो है डिटेल्स ऐड करनी है, नेम योर पिक्सल। तो आपको अपने पिक्सल का नाम देना है। लेट्स से हमने पिक्सल का नाम दे दिया दिल्ली होम डील पिक्सल। आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से नाम दीजिए, राइट। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पर देनी है। तो हमारी जो वेबसाइट है उसको हम यहाँ खोलेंगे और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर दी है हमारी वेबसाइट। इसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे, एंड देन यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए। एक है मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट आपने किसी डेवलपर से बनाई है और उसने लेट्स से .NET या PHP या किसी और कोडिंग के मेथड से आपकी वेबसाइट बनाई है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। इसके लिए क्या है, इंस्टॉल कोड मैनुअली पर आप जाएंगे तो ये यहाँ पर आपका पूरा ये कोड आ जाएगा और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो पिक्सल कोड है इसको आपकी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में लगाना है। और इसके दो पार्ट हैं, पहला है बेस कोड और दूसरा है इवेंट टैग्स। तो आपको पहले बेस कोड ले लेना है, ये कॉपी करेंगे आप, एंड देन पेस्ट कोड टू वेबसाइट, या फिर आप ईमेल इंस्ट्रक्शन के बटन पर जा सकते हैं और इससे क्या होगा ये पूरी इंस्ट्रक्शन आपको ईमेल कर दी जाएगी, राइट। दूसरा तरीका जो है यहाँ पर ये आ गया, ये आपका कोड है, जैसे ये है ये पूरा ईमेल आपको आ जाएगा, फेसबुक की पिक्सल आईडी, ये रिपिक्सल आईडी, ये इसका बेस कोड एंड इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद पिक्सल का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो ये तरीका हो गया, राइट। मैनुअली एड पिक्सल कोड टू अ वेबसाइट का तरीका ये है। दूसरा तरीका है पार्टनर इंटीग्रेशन। पार्टनर इंटीग्रेशन बेसिकली अगर आप WooCommerce, WordPress, बहुत सारी और भी तरीके हैं, अगर आप उस तरह की साइट यूज कर रहे हैं, Wix यूज कर रहे हैं, Shopify यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है। इसमें कह रहा है दिस मेथड डजंट इन्वॉल्व राइटिंग कोड। ये जो मेथड है इसमें कोई कोड नहीं लिखना आपको। तो अभी हम यहाँ पर जो आपको मेनली सिखाने वाले हैं वो है WordPress वेबसाइट में कैसे फेसबुक पिक्सल लगाना है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां पर जाना है यूज अ पार्टनर और फिर आपको पार्टनर चूज करना है। तो यहां सारे पार्टनर जो सारे ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, हम यहां पर वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप वूकॉमर्स अपनी
वर्डप्रेस साइट में यूज करते हैं तो वूकॉमर्स का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं आपको बता दूं, काम ये भी करता है वर्डप्रेस वाला, बट वूकॉमर्स का तरीका इसलिए अलग है, बेसिकली जब आप वर्डप्रेस या वूकॉमर्स यूज कर रहे हैं तो फेसबुक पिक्सल एक प्लगइन के फॉर्मेट में आप अपनी साइट में लगाएंगे। इन दोनों के प्लगइन अलग अलग है। जब आप वूकॉमर्स यूज करते हैं तो आपका एक कंप्लीट प्लगइन है जिसको कहते हैं फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, जिसमें पिक्सल भी इंक्लूडेड है, साथ के साथ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट जो आपने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पर भी आ जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल वर्डप्रेस में नहीं है। तो अभी हम नॉर्मल वर्डप्रेस इसमें सीखेंगे। तरीका ऑलमोस्ट सबका सेम है। वर्डप्रेस पे हम क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस मैचिंग, तो यहाँ पर एडवांस मैचिंग का अगर ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो ये कह रहा है कि ये वाला जो है इंक्रीज्ड मैचेस आपको ज्यादा हेल्प करता है, राइट। एंड देन ये है सर्वर साइड एपीआई। सर्वर साइड एपीआई से क्या होगा कि जो भी वेब इवेंट हो रही है आपकी वेबसाइट पर, ऑनलाइन इवेंट हो रही है, वो वर्डप्रेस से डायरेक्टली आपके पिक्सल में भी चली जाएंगी, जिससे क्या होगा कि ज्यादा इवेंट आपका पिक्सल कैप्चर कर पाएगा बजाय सिर्फ पिक्सल के। तो आप इसे चूज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो हम वापस एपीआई मेथड में चले गए। तो सिर्फ अभी इसको चूज करना है, एडवांस मैचिंग, देन कंटिन्यू करना है। एंड अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस के जो वर्जन है 4.4 एंड अबव उसको ये सपोर्ट करता है, ये वाला जो इंटीग्रेशन का मेथड है। स्टेप बाय स्टेप इसमें ये आपको बताएंगे करना क्या है। तो फीचर हमने सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट है डाउनलोड प्लगइन। तो हमने ये प्लगइन पर डाउनलोड पर क्लिक किया, ये प्लगइन डाउनलोड हो गया। अब हम जाएंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू में नेक्स्ट में इन्होंने दिखाया करना क्या है, वर्ड हमारी अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना है हमने। तो यहाँ हम जाएंगे वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, ये हमने लॉगिन पैनल अभी हम खोल रहे हैं अपनी इस वेबसाइट का। उसके बाद करना क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। प्लगइन्स में जाना है, स्टेप 1 डैशबोर्ड, स्टेप 2 प्लगइन, मैं ऐड न्यू में जाना है जो यहाँ पर लिखा भी है, गो टू योर डैशबोर्ड, क्लिक प्लगइन एंड सेलेक्ट ऐड न्यू। तो अब हम यहाँ जाएंगे, स्टेप 1 डैशबोर्ड, स्टेप 2 प्लगइन एंड ऐड न्यू, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कि स्टेप 1। अब जो अगले फेज में क्या है कि अपलोड करना है प्लगइन को, चूज फाइल और उस फाइल को चूज करना है और इंस्टॉल करना है, राइट। क्लिक अपलोड प्लगइन, क्लिक चूज फाइल, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। तो हम क्या करेंगे, ये अपलोड प्लगइन का ऑप्शन यहां पर आ ही रहा है, नीचे देखते हैं, नीचे अभी यहां नहीं दिखाई दे रहा। तो अपलोड प्लगइन के ऑप्शन पे जाएंगे और अपलोड प्लगइन पे जाने के बाद यहां पर अपलोड वाला सेक्शन खुल गया है। चूज फाइल, जो हमने फाइल डाउनलोड की थी, जो प्लगइन डाउनलोड किया था वो ये रहा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे ओपन एंड देन इंस्टॉल नाउ, इस पर क्लिक किया हमने। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, प्लगइन इंस्टॉल के बाद स्टेप 1 एक्टिवेट करना है, क्लिक एक्टिवेट प्लगइन। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और एक्टिवेट करने के बाद रिव्यू सेटिंग, सेटिंग्स में जाना है एंड देन स्टेप 1 इज पिक्सल आईडी वगैरह हमें रिव्यू करनी है। तो अभी अपलोड प्लगइन में देखते हैं जाकर क्या हुआ। अनपैकिंग, इंस्टॉलिंग द प्लगइन, प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली एंड देन ये नीचे एक्टिवेट प्लगइन, तो हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। एंड एक्टिवेट करने के बाद ये सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर फेसबुक पिक्सल है, इसमें हम जाएंगे जैसा कि यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर हम एक बार रीचेक करेंगे कि भाई सब ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, तो इसको हमने स्टेप 3 को लेट से यहाँ पर हमने चेक कर दिया। उसके लिए एक्सेस टोकन हमें चाहिए, जनरेट एक्सेस टोकन अगर हम करते हैं तो हमारी, इसमें ये तरीका दिया है कि कैसे वो एक्सेस टोकन जनरेट करना है, ठीक है ना। तो अभी हम उसको नहीं सीखने वाले, इसको हम यहाँ अनचेक कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक्सेस टोकन दिया गया है, और हम इसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे, जैसा था वैसा ही है फिलहाल। तो नेक्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर और अपनी वेबसाइट एड्रेस लिखेंगे, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है ये,
इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड सेंड टेस्ट ट्रैफिक। अब होगा क्या, फेसबुक हमारी वेबसाइट पर डमी ट्रैफिक, एक डेमो ट्रैफिक भेजेगा और उसके बाद टेस्ट करेगा कि भाई फेसबुक पिक्सल जो है वेबसाइट पर चल रहा है या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये चेक कर रहा है और ये यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है। लेट्स सी, ये हमारा फेसबुक पिक्सल एक्टिव हो गया, लास्ट रिसीव्ड इन द लास्ट आवर, तो पिछले घंटे में रिसीव हुआ है। तो ये हमारा फेसबुक पिक्सल चालू हो चुका है, कनेक्शन वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट कंटिन्यू में हम जाएंगे, कंटिन्यू में जाने के बाद अब हमें इवेंट जो है वो सेटअप करनी है। इवेंट का मतलब कि भी परचेज करना एक इवेंट है, कार्ट में ऐड करना एक इवेंट है। तो पहले तो हम अपनी वेबसाइट को URL यहां पर डाल देते हैं। तो ये अभी इसको ले नहीं रहा, आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कोई अभी हमारी इवेंट वेबसाइट पे हुई नहीं है। बेसिक आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाई योर इवेंट इन इवेंट मैनेजर, बेसिकली जब आपकी वेबसाइट पर कुछ इवेंट हो जाएंगी तो आप उनको इवेंट मैनेजर में वेरीफाई कर सकते हैं। टेस्ट इवेंट इन इवेंट मैनेजर, इसको न्यू टैब में हम खोल देते हैं और इसको हमने क्लोज कर दिया है। तो फेसबुक पिक्सल हमारा सेट हो चुका है और यहाँ पर अब हमारी इवेंट आ चुकी है कि हम इवेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कि इवेंट कैसे क्रिएट करनी है। तो क्रिएट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एड इवेंट में आप एड इवेंट में चले जाएंगे तो वापस हम वही आ जाएंगे, गो टू टेस्ट इवेंट। ओपन वेबसाइट, अब ओपन वेबसाइट में जाने के बाद आपको करना क्या है, ये देखिए पेज व्यू, ये इवेंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, शॉप नाउ, लेट्स से इस प्रोडक्ट को, यहां पर हमने प्रोडक्ट खोला और इसको एड टू बास्केट। अब जरा यहाँ पर आकर देखते हैं, देखिए पेज व्यू ये सब इवेंट बनते जा रहे हैं। पेज व्यू, व्यू बास्केट, कार्ट में आ गया हमारी में, अभी भी ये पेज व्यू, इसको अब हम नाम दे सकते हैं अगर हम देना चाहते हैं तो। अभी तो खैर ये पेज व्यू में ही आ रहा है, लेकिन आपके इवेंट अब सेट होते जा रहे हैं। एंड देन प्रोसीड टू चेकआउट, देखिए जितनी भी इवेंट आ रही हैं वो यहाँ पर आती जा रही हैं, राइट। तो बेसिकली इवेंट का पर्पज़ ये है, लेटर ऑन जब आप ऐड क्रिएट करेंगे तो आप फेसबुक पिक्सल के साथ में ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई फला इवेंट अगर हुई है तो उन लोगों को ऐड दिखाना है। एग्जांपल के लिए जिन लोगों ने लेट्स से प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया है सिर्फ उनको ऐड दिखाना है, जिन्होंने ख़रीदा है मान लो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है तो उनको ऐड दिखाना है। तो इस तरह से आप इवेंट के हिसाब से अपनी ऑडियंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फेसबुक पिक्सल हमने लगाना सीख लिया है। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ऑल राइट।